हेलो स्टूडेंट, सीसी मंत्रा की इस वीडियो सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। और आज जो टॉपिक अपन पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है राजस्थान राज्य वित्त आयोग, राजस्थान स्टेट फाइनेंस कमीशन। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इस वित्त आयोग का गठन, राज्य वित्त आयोग का गठन कैसे हुआ। तो हम जानते हैं कि हमारे देश में पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत है वो 2 अक्टूबर 1959 से की गई और नागौर ज़िले के बगदरी गांव से की गई। और उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो आपको याद रखना है कि हमारे देश में पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत है वो कब हुई? 2 अक्टूबर 1959 से हुई। और कहां से हुई? नागौर ज़िले के बगदरी गांव से हुई। और उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। लेकिन उस समय पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा जो है वो दिया गया 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। तो आपको याद रखना है कि पंचायती राज व्यवस्था को जो संवैधानिक दर्जा है वो किस अधिनियम के माध्यम से दिया गया? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से। और इसी तरह नगरीय निकायों को, यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट होती है उसको जो संवैधानिक दर्जा दिया गया वो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से दिया गया। तो कभी कभी स्टूडेंट इनमें से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा कि पंचायती राज को जो संवैधानिक दर्जा मिला वो कौन से अधिनियम के माध्यम से मिला? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से। और नगरीय निकायों को जो संवैधानिक दर्जा मिला वो कौन से अधिनियम के माध्यम से मिला? 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से। और इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? श्री पीवी नरसिम्हा राव। अब हम बात करते हैं कि इस अधिनियम के द्वारा संविधान को संविधान में 90वें भाग के रूप में शामिल किया गया, यानी कि इस अधिनियम को संविधान के कौन से भाग के रूप में शामिल किया गया? 90वें भाग के रूप में शामिल किया गया। और नगरीय निकायों से संबंधित जो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम है इसके लिए संविधान में कौन सा भाग शामिल किया गया? भाग 9 का। तो आपको याद रखना है कि भाग 9 जो है वो किससे संबंधित है? पंचायती राज से। और भाग 9 का किससे संबंधित है? नगरीय निकायों से। अब पंचायती राज के लिए संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची। और नगरीय निकायों के लिए कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है भाग 9 किससे संबंधित है? पंचायती राज से। भाग 9 का किससे संबंधित है? नगरीय निकायों से। इसके लिए संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं। और इसके लिए संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। पंचायती राज से संबंधित जो भी प्रावधान है वो अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक शामिल किए गए हैं। यानी कि कुल कितने अनुच्छेद हैं? 16 अनुच्छेद जो हैं वो किस में शामिल किए गए हैं? पंचायती राज अधिनियम में शामिल किए गए हैं। और अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक। और नगरीय निकायों से संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो हैं अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी तक। ओ के बाद पी आता है, हमको ऐसे याद रखना है। तो 243 से 243 ओ तक के अनुच्छेद किससे संबंधित हैं? पंचायती राज व्यवस्था से। और 243 पी से 243 जेड जी तक के जो अनुच्छेद हैं वो किससे संबंधित हैं? नगरीय निकायों से। तो ये कितने अनुच्छेद हो गए? टोटल 18 अनुच्छेद हो गए। कितने हो गए? 18। तो 16 अनुच्छेद तो किससे रिलेटेड है? पंचायती राज व्यवस्था से। और 18 अनुच्छेद किससे रिलेटेड है? नगरीय निकायों से। अब हम बात करते हैं वित्त आयोग की, कि वित्त आयोग जो है, राज्य वित्त आयोग जो है वो उसका गठन क्यों किया गया? पंचायती राज और नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए और उनकी आर्थिक स्थिति की समीक्षा करने के लिए इन अधिनियम में
जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है और जो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम है, इसमें राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। तो पंचायती राज के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान कौन से अनुच्छेद के तहत किया गया? तो 243I। आपको क्या याद रखना है कि पंचायती राज व्यवस्था के लिए जो वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है वो कौन से अनुच्छेद के तहत है? 243I के अंतर्गत है। और नगरीय निकायों के लिए जो वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है? 243Y के अंतर्गत। तो यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि राज्य वित्त आयोग के गठन का जो प्रावधान है वो 243I और 243Y के अंतर्गत किया गया है। तो पंचायती राज से रिलेटेड जो अनुच्छेद है वो कौन सा है? 243I। और नगरीय निकायों से संबंधित जो अनुच्छेद वो कौन सा है? 243Y। तो स्टूडेंट, अपन ने पढ़ा कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 व 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के प्रावधानों के तहत पंचायती राज संस्थाओं व नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने व उनकी वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए या आर्थिक स्थिति की समीक्षा करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। पंचायती राज संस्थाओं के लिए 243I के अंतर्गत और नगरीय निकायों के लिए अनुच्छेद 243Y के अंतर्गत। यदि हमसे पूछा जाए कि इस पंचायती राज अधिनियम जो संशोधन अधिनियम था, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो था, इसे देश में कब से लागू किया गया? तो 24 अप्रैल 1993 से लागू किया गया। और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जो नगरीय निकायों से संबंधित है, इसे देश में कब से लागू किया गया? 1 जून 1993 से लागू किया गया। अब हम आगे पढ़ते हैं कि राज्य वित्त आयोग जो होता है यह एक बहुसदस्यीय निकाय है। किस तरह का निकाय है? बहुसदस्यीय निकाय है। इसमें एक अध्यक्ष व 4 सदस्य होते हैं। इसमें एक अध्यक्ष व 4 सदस्य होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि ये 4 सदस्यों की जो संख्या हमें दे रखी है ये अधिकतम है, यानी कि 4 से ज़्यादा सदस्य नियुक्त नहीं किए जा सकते। तो आपको याद रखना है कि जो राज्य वित्त आयोग है वो एक किस तरह का निकाय है? बहुसदस्यीय निकाय है। इसमें एक अध्यक्ष व 4 सदस्य होते हैं। यदि हमसे पूछा जाए कि अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं, तो 5, और अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं? तो 4। और सदस्यों की संख्या जो है ये अधिकतम है, इसमें 4 से ज़्यादा सदस्य नियुक्त नहीं किए जा सकते। यदि हम बात इनकी नियुक्ति की करें कि अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा, मंत्रिपरिषद की सलाह से की जाती है। तो आपको याद रखना है कि अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। यदि हम राज्य वित्त आयोग के कार्यकाल की बात करें कि राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष होता है। यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है, यानी कि इन्हें 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। यदि त्याग पत्र की बात करें कि अध्यक्ष व सदस्य अपना त्याग पत्र किसे देते हैं, तो राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? राज्यपाल को। किसको देते हैं? राज्यपाल को देते हैं। और यदि इन्हें हटाने की बात करें तो इन्हें राज्यपाल के द्वारा ही हटाया जाता है। किसके द्वारा हटाया जाता है? राज्यपाल के द्वारा हटाया जाता है, लेकिन मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर। किसकी अनुशंसा पर? मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर। तो मैं आपको वापस रिवाइज करा देता हूँ।
कि राज्य वित्त आयोग एक किस तरह का निकाय है, बहुसदस्यीय निकाय है, इसमें एक अध्यक्ष व चार सदस्य होते हैं, सदस्यों की संख्या क्या है, अधिकतम है, इसमें चार से ज़्यादा सदस्य नियुक्त नहीं किए जा सकते, अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है मंत्रिपरिषद की सलाह से, राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष, यानी कि अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। ये अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, राज्यपाल को देते हैं, यदि वो समय से पूर्व अपना पद छोड़ना चाहते हैं तो वो अपना त्यागपत्र किसको देंगे, राज्यपाल को देंगे, और यदि इन्हें पद से हटाने की बात करें तो इन्हें किसके द्वारा हटाया जाएगा, राज्यपाल के द्वारा हटाया जाएगा मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर, और यदि रिपोर्ट की बात करें तो ये अपनी रिपोर्ट किसे देते हैं, राज्य वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसे देता है, राज्यपाल को देता है। और वे इस रिपोर्ट को कहाँ रखते हैं, विधानमंडल के समक्ष रखते हैं। तो यहाँ पर अपन को ध्यान रखना है कि रिपोर्ट भी किसे दी जाती है, राज्यपाल को दी जाती है, और राज्यपाल इस रिपोर्ट को कहाँ रखता है, विधानमंडल के समक्ष रखता है। अब अपन पढ़ते हैं स्टूडेंट्स राजस्थान राज्य वित्त आयोग या राज्य वित्त आयोग के कार्यों के बारे में कि राज्य वित्त आयोग कौन कौन से कार्य करता है। ये इंपॉर्टेंट है RS के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो सर राज्य वित्त आयोग का जो पहला कार्य है वो है राज्य सरकार को प्राप्त राजस्व आय, यानी कि जो रेवेन्यू इनकम होती है गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, उस जो इसे करों, ड्यूटी, टोल टैक्स एवं फीस के रूप में रिसीप्ट होती है, उस राजस्व आय में से पंचायती राज संस्थाओं व नगर निकायों को कितनी आय दी जाए, यानी कि उसका कितना हिस्सा पंचायती राज संस्थाओं व नगर निकायों को दी जाए, इसकी सिफारिश कौन करता है, राज्य वित्त आयोग करता है। राज्य वित्त आयोग का दूसरा कार्य क्या है कि पंचायती राज संस्थाओं व नगर निकायों द्वारा कौन कौन से कर, शुल्क, टोल टैक्स एवं फीस संग्रहित किए जाएं इसके संबंध में सिफारिश करना। दूसरा कार्य क्या है कि पंचायती राज संस्थाओं व नगर निकायों द्वारा कौन से कर, शुल्क, टोल टैक्स, फीस संग्रहित किए जाएं इसकी सिफारिश करना। तीसरा कार्य क्या है, राज्य की संचित निधि में से कितना अनुदान पंचायती राज संस्थाओं व नगर निकायों को दिया जाए इसकी सिफारिश करना। चौथा कार्य क्या है, केंद्र व राज्य के बीच वित्तीय संबंधों, यानी कि जो इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं उसके लिए मध्यस्थता का कार्य करना, यानी कि मीडिएटर का कार्य कौन करता है, राज्य वित्त आयोग करता है। इसका पांचवा कार्य क्या है, समय समय पर पंचायती राज संस्थाओं व नगर निकायों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा करना। अपन जानते हैं इसका गठन भी इसीलिए किया गया कि पंचायती राज संस्थाओं व नगर निकायों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा करने के लिए वे उनकी वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो उसका पांचवा कार्य क्या है, समय समय पर पंचायती राज संस्थाओं व नगर निकायों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा करना। और छठा कार्य क्या है, राज्यपाल द्वारा सौंपे गए अन्य कृत्यों का संपादन करना, यानी कि उसे पूरा करना। तो ये 6 कार्य जो हैं ये राज्य वित्त आयोग के द्वारा किए जाते हैं। तो पहला कार्य मैं एक बार वापस रिवाइज करा देता हूँ कि जो स्टेट गवर्नमेंट की जो राजस्व आय होती है उसमें से कितना हिस्सा पंचायती राज में नगर निकायों को दी जाए इसकी सिफारिश करता है, कौन कौन से कर, शुल्क, टोल टैक्स और फीस पंचायती राज संस्थाओं व नगर निकायों द्वारा संग्रहित किए जाएँ इसकी सिफारिश करता है, संचित निधि में से कितना अनुदान पंचायती राज संस्थाओं व नगर निकायों को दिया जाए इसकी सिफारिश करता है, केंद्र व राज्य के बीच वित्तीय संबंधों में मध्यस्थता का कार्य करता है, और समय समय पर पंचायती राज संस्थाओं व नगर निकायों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा करता है, और वे अन्य कार्य करता है जो राज्यपाल द्वारा इसे सौंपे जाते हैं। तो सुनिए अब अपन देखते हैं कि राजस्थान में अब तक कितने वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं। तो राजस्थान में अब तक पांच वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं। तो इसमें सबसे पहले हमको ये याद रखना है कि राजस्थान में अब तक कितने वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं, 5 वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं। जो पहला वित्त आयोग था
वो कब गठित किया गया? 24 अप्रैल 1994 को गठित किया गया। तो ये डेट आपको याद रखनी है कि राजस्थान में पहला वित्त आयोग कब गठित किया गया, 24 अप्रैल 1994 को गठित किया गया। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? के गोयल। कौन थे? के गोयल, कृष्ण कुमार गोयल। तो आपको ये याद रखना है कि राजस्थान में पहला वित्त आयोग कब गठित किया गया, 24 अप्रैल 1994 को गठित किया गया। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? के गोयल। और इसका जो कार्यकाल था वो कब से कब तक का था? 1 अप्रैल 1995 से 31 मार्च 2000 तक। तो सुनना मुझे याद रखना है कि इसका जो कार्यकाल था वो कब से कब तक का था? 1 अप्रैल 1995 से 31 मार्च 2000 तक। तो पहला वित्त आयोग कब गठित हुआ? 24 अप्रैल 1994 को। अध्यक्ष कौन थे? के गोयल, कृष्ण कुमार गोयल। और इसका जो कार्यकाल था वो कब से कब तक का था? 1 अप्रैल 1995 से 31 मार्च 2000 तक। जो दूसरा वित्त आयोग था उसके अध्यक्ष कौन थे? हीरालाल देवपुरा। कौन थे? हीरालाल देवपुरा। ये राजस्थान के मुख्यमंत्री के पद पर भी रहे, हमको ध्यान रखना है। और इसका कार्यकाल 1 अप्रैल 2000 से 31 मार्च 2005 तक। जो राजस्थान का तीसरा वित्त आयोग था उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे माणिक चंद सुराणा। और इसका कार्यकाल क्या था? 1 अप्रैल 2005 से 31 मार्च 2010 तक। जो राजस्थान का चौथा वित्त आयोग था उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी डी कल्ला। और इसका जो कार्यकाल था वो कब से कब तक था? 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2015 तक। और राजस्थान का जो पांचवा वित्त आयोग था इसकी जो अध्यक्ष थी वो कौन थी? डॉक्टर ज्योति किरण। तो ये आपको याद रखना है कि पांचवे वित्त आयोग, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि इसकी जो अध्यक्ष थी वो कौन थी? डॉक्टर ज्योति किरण थी। और इसका जो कार्यकाल था वो कब से कब तक का था? 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2020 तक। और इसमें जो सदस्य थे वो कौन थे? प्रद्युमन सिंह। आपको क्या याद रखना है? इसके जो सदस्य वो कौन थे? प्रद्युमन सिंह। और सदस्य सचिव कौन थे? सदस्य सचिव कौन थे? एस सी देरा श्री। तो स्टूडेंट, मैं एक बार आपको वापस रिवाइज करा देता हूं कि राजस्थान में अब तक कितने वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं? 5 वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं। पहला वित्त आयोग जो है वो कब गठित किया गया? 24 अप्रैल 1994 को, हमको इसकी डेट याद रखनी है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? के गोयल, कृष्ण कुमार गोयल। और इसका जो कार्यकाल था वो 1 अप्रैल 1995 से 31 मार्च 2000 तक था। क्योंकि अपन को पता है कि राज्य वित्त आयोग का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। दूसरा वित्त आयोग जो है वो हीरालाल देवपुरा की अध्यक्षता में गठित किया गया, ये राजस्थान के मुख्यमंत्री के पद पर भी रहे। और इसका जो कार्यकाल था वो 1 अप्रैल 2000 से 31 मार्च 2005 तक था। तो दूसरे वित्त आयोग का कार्यकाल कहाँ से कहाँ तक था? 1 अप्रैल 2000 से 31 मार्च 2005 तक। तीसरा वित्त आयोग माणिक चंद सुराणा की अध्यक्षता में गठित किया गया, और इसका जो कार्यकाल था वो 1 अप्रैल 2005 से 31 मार्च 2010 तक था। चौथा वित्त आयोग डॉक्टर बी डी कल्ला की अध्यक्षता में गठित किया गया, और इसका जो कार्यकाल था वो 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2015 तक था। और पांचवा वित्त आयोग डॉक्टर ज्योति किरण की अध्यक्षता में गठित किया गया, और इसका जो कार्यकाल था वो 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2020 तक था। इसमें सदस्य कौन थे? प्रद्युमन सिंह। कौन थे? प्रद्युमन सिंह, अपन को याद रखना है। और सदस्य सचिव कौन थे? एस सी देराश्री।
तो यहाँ पर स्टूडेंट अपन को ध्यान रखना है, खास तौर से आपको अध्यक्ष का नाम तो याद रखना ही है कि पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष के गोयल, दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष हीरालाल देवपुरा, तीसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष माणिक चंद सुराना, चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर बी डी कल्ला और पाँचवें वित्त आयोग की जो अध्यक्ष थी वो कौन थी, डॉक्टर ज्योति किरण। तो स्टूडेंट अब हम देखते हैं कि राज्य वित्त आयोग एक किस तरीके की संस्था है। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। किस तरह की संस्था है, एक संवैधानिक संस्था है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि संवैधानिक संस्था उस संस्था को कहते हैं जिसका संविधान में उल्लेख होता है। तो राज्य वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 243 आई और अनुच्छेद 243 वाई के अंतर्गत हमें मिलता है। अनुच्छेद 243 आई के अंतर्गत किसके लिए, पंचायती राज संस्थाओं के लिए, और 243 वाई के अंतर्गत किसके लिए नगरीय निकायों के लिए। जो केंद्रीय वित्त आयोग है उसका उल्लेख हमें अनुच्छेद 280 में मिलता है। तो आपको याद रखना है कि 280 के अंतर्गत केंद्रीय वित्त आयोग इसका उल्लेख किया गया है। तो जो राज्य वित्त आयोग है किस तरह की संस्था है, एक संवैधानिक संस्था है। और लास्ट में हमको ये बात ध्यान रखनी है कि जो राजस्थान का जो पांचवा वित्त आयोग था जिसकी अध्यक्ष कौन थी, डॉक्टर ज्योति किरण, इन्होंने 2016-17 में जो है एक अंतरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। जो हमारे राजस्थान का पांचवा वित्त आयोग था इसने वर्ष 2016-17 में एक अंतरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें इसने सिफारिश की कि राज्य के शुद्ध कर राजस्व में से 7.182% हिस्सा किसको, पंचायती राज संस्थाओं को और नगरीय निकायों को दिया जाना चाहिए। तो मैं एक बार वापस रिवाइज कर रहा हूँ कि इसने क्या सिफारिश, इस रिपोर्ट में इसने क्या सिफारिश करी। राजस्थान का जो पांचवा वित्त आयोग था उसने सिफारिश करी कि राज्य के शुद्ध कर राजस्व में से 7.182% हिस्सा किसे दिया जाना चाहिए, पंचायती राज संस्थाओं को और नगरीय निकायों को। और 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के आधार पर इस 7.182% का 75.1% हिस्सा किसको, पंचायती राज संस्थाओं को, और 24.9% हिस्सा किसको, नगरीय निकायों को दिया जाना चाहिए। यानी कि 7.182% का 75.1% पंचायती राज संस्थाओं को और 24.9% हिस्सा किसको, नगरीय निकायों को दिया जाना चाहिए। तो स्टूडेंट मैं आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और आपको यदि ये वीडियो समझ में आए तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।